नमस्कार आदाब, मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक आज, चुनावी नतीजों को लेकर तैयार होगी रणनीति। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच भड़की भीड़, तालाब में ईवीएम फेंक का हंगामा। सेफ ने सुपरस्टार सलमान खान मर्डर की कोशिश की, एक और साजिश का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार। कांग्रेस के जालंधर उम्मीदवार ने मतदाताओं से की आप और भाजपा के झूठे प्रचार को नजरअंदाज करने की अपील। आंधी तूफान और बारिश के बाद भी उत्तर भारत में भीषण गर्मी, देश के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव। प्रधानमंत्री मोदी की साधना पर हो रही विपक्षियों की बयानबाजी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। नेतन्याहू को हो गया गलती का एहसास, अपने हुए पराए, अब खत्म होगी इजराइल हमास जंग। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान आज शाम तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक है। ये बैठक लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। बैठक कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही। बैठक में लगभग सभी दल शामिल हैं। अलायंस के शीर्ष नेतृत्व की बैठक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर बुलाई गई है और आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ साथी हम लोग सब उस बैठक में हिस्सा लेंगे और बैठक के उपरांत आपसे चर्चा करेंगे। सर, आज चुनाव खत्म हो जाएगा सर, कितनी सीटें आएंगी सर इंडिया में? देखिए, चुनाव भारत देश के लोकतंत्र का महापर्व है, इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। और आज बस मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि लोग भारी से भारी तादाद में घरों से निकलकर वोट डालें, मतदान करें और एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, बढ़िया अस्पताल, दवा दवा इलाज के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालें। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में अचानक भीड़ गुस्सा हो गई। गुस्साए भीड़ मतदान केंद्र में घुस गई और एक ईवीएम को उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया, जिससे मतदान प्रक्रिया रुक गई। ये तब हुआ जब कुछ लोगों पोलिंग बूथ में जाने से रोक दिया गया था। इस बहिष्कार को देखकर स्थानीय लोगों ने गुस्सा दिखाकर जबरन मतदान केंद्र में घुसकर ये हमला किया। सब जगह एजेंट है और मेरे जो कॉमरेड्स हैं लड़ाई के मैदान में हैं। वो जो है यहाँ पे जो पत्थर बरसा रहा है या जो भी कर रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, हम भी लड़ाई कर रहे हैं और हम देखेंगे ये किस तरह का यहाँ पे भ्रष्टाचार और किस तरह का ये हिंसा ममता बनर्जी कैसे इनकरेज कर रही है, हम लोग देखेंगे और जनता उनको जवाब देगी। बूथ में जो सीसीटीवी कैमरा लगा उसमें टेप लगाने का आरोप उठ रहा है, तो अभी देखना होगा हमें। हम लोग जो है एकदम तुरंत हम लोग इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करेंगे और ये जो है और जनता जितना भी वो करे, जनता आवाम ये जवाब देगी और उत्तर देगी। जितना भी दुर्नीति करें, जितना भी भ्रष्टाचार करें, जितना भी पत्थर बरसाएं, जनता हमारे साथ है और जनता ये सब बातों को टॉलरेट नहीं करेगी। बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले अभिनेता सलमान खान पर लगातार खतरा बना हुआ है। उन पर एक बार फिर से हमला करने की साजिश रची जा रही थी, हालांकि मुंबई पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। नवी मुंबई पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य हैं। नवी मुंबई पुलिस ने बताया है कि आरोपी पनवेल में सलमान खान की कार पर हमला करने की साजिश कर रहे थे। वो कार को छलनी करने के लिए पाकिस्तान से सप्लायर के जरिए हथियार भी मंगवाने की साजिश रची जा रही थी। मामले में पुलिस ने अब तक लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड, संपत नेहरा समेत 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वही आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भी हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने फार्म हाउस और कई जगहों की रेकी की थी। इन लोगों को सलमान खान पर AK-47 सहित कई अन्य हथियारों से फायरिंग करने का आदेश मिला था। पुलिस ने कई वीडियो और आरोपियों के मोबाइल से भी बरामद किए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया है कि अजय कश्यप पाकिस्तान में डोगा नामक एक व्यक्ति के संपर्क में था, जो M16, AK-47 और AK-92 खरीदने के लिए काम करता है। इससे पहले बीते 14 अप्रैल को भी सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने सुबह 5 बजे फायरिंग की गई थी। दो बाइक से आए हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग किए थे। फायरिंग के वक्त सलमान खान अपने घर पर ही मौजूद थे।
घटना के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दो दिन बाद ही फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी पकड़े गए थे। इसमें इन दिनों पुणे में हुए सड़क हादसे की चर्चा हो रही है। तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। कार एक 17 साल का रईसजादा चला रहा था जो शराब के नशे में धुत था। वह इस मामले में विधायक सुनील टिंगरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर दुर्घटना के बाद यरवदा पुलिस स्टेशन जाने और अधिकारियों पर मामले पर नरम रुख अपनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि अब टिंगरे के बचाव में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आ गए। उन्होंने कहा है कि विधायक टिंगरे पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन में जो करना है अपोजिशन का काम चालू है, लेकिन आपने देखा होगा शुरू से ही मेरे ख्याल से घटना हुई रात को 2:30-3 बजे शायद, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसी टाइम, और उसके बाद सुबह सबको पता जब चला तब से इंक्वायरी चालू है। उसमें खुद होम मिनिस्टर ने जो भी सूचना करनी चाहिए थी वो उन्होंने की है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी उसमें इस केस के बारे में जो भी डिपार्टमेंट को बताना चाहिए वो उन्होंने बताया। मैंने भी गार्डियन मिनिस्टर के नाते बताया। सब इंक्वायरी ठीक तरह से चालू है और जैसे जैसे इंक्वायरी आगे जा रही है वैसे वैसे जो भी लोग उसमें जिम्मेवार है उनके ऊपर एक्शन तुरंत हो रही है। जा है ज्या कशावरही एक्झिट पोलवर विश्वास नाही। मी अनेकदा निवडणुकीला सामोरं गेलोय। आता ते मशीनमध्ये बंद झालंय। टोटल मारल्यावर 4 तारखेला सकाळी कळेल। काय 2 दिवस उशिरा कळलं म्हणून काही आकाश पाताळ एक होत नाही। त्याच्यावर मी शांत आहे। कुणी रोज काहीतरी सांगतं आपण ह्या कारणाचं ऐकायचं त्या कारणाने सोडायचं। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आज कहा है कि इंडिया गाड़ी की बैठक आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। कल खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना है। इसके साथ साथ देश के सामान्य लोगों की भावना भी यही है। चुनाव आयोग ने जो गलतियां की हैं उसके बारे में इंडिया गाड़ी के नेता राष्ट्रपति से मिले थे, इस बारे में बैठक में चर्चा होगी। इंडिया गाड़ी की जो मीटिंग है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बुलाई है। आज सभी इंडिया गाड़ी के नेता इकट्ठा हो गए। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डिक्लेयर किया कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो भावना है ही, लेकिन देश के सामान्य लोगों की भी भावना यही है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब इंडिया गाड़ी के मीटिंग में इस पर चर्चा होगी कि नहीं आज मुझे पता नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो गलतियां की उसके बारे में भी महामहिम राष्ट्रपति जी से जो इंडिया गाड़ी के नेता मिले थे उसमें चुनाव के बारे में भी उसमें कहीं चर्चा होगी ऐसा मुझे ध्यात है। आज एग्जिट पोल आने वाले, क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन के देश और महाराष्ट्र में क्या स्थिति रहेगी? पूरे इंडिया गाड़ी 300 से ज्यादा जगह पे जीतेगी, इसी तरह का पूरे राज्य से रिपोर्ट आ रहा है। झारखंड सहित देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आज सुबह से मतदान जारी है। गोड्डा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा है कि आज की 57 सीटें भाजपा जीत रही है। अभी हमारा आंकड़ा करीब 360 के आसपास था, आज मतदान के बाद इसमें 57 सीटें और जुड़ जाएंगी तो सीटों की संख्या बढ़कर 411 से 417 हो जाएगी। ये 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी तक जो है हम लोगों का आंकड़ा लगभग 360 के आसपास था, ये 57 जुड़ जाएगा तो 411 से लेकर 417 हो जाएगा। यहाँ तो एक तरफा चुनाव है, आप तो घूम रहे हो हमारे साथ चल रहे हो, आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? सेल्फी लेने के लिए भीड़ है, लोगों की भीड़ है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी जी हर हर मोदी कर रहे हैं, कहीं कोई वोट है क्या? किसी का कोई वोट नहीं है। ये चुनाव एक तरफा और झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो गोड्डा लोकसभा होगी। पंजाब में आज लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में सभी सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान अपनी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ संगरूर के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे। वोटिंग के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने कहा है कि मेरी सभी महिलाओं से अपील है, हमेशा महिलाओं की वोटिंग कम होती है लेकिन इस बार हम सभी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, एक नया इतिहास बनाकर
काम करने वाली नई सरकार को चुने। लेडीज ज्यादातर वोट पाउंड नहीं होंगी गर्मी करके, तुसी अपील किस तरह करोगे? देखो मेरा लेडीज नु यही अपील है कि सब तो ज्यादा वोट आपा पा के दिखाइए। पहला यूजुअली सुनने नु आंदा कि लेडीज दी पोलिंग कट हुई है, सो इस बार लेडीज गर्मी गुर्मी ना मनन ते वध तो वध पोलिंग आके करन ते आपा भी इतिहास बदलीए सरजीए, आपा पूरा योगदान पाइए एक नवी सरकार नु, एक चंगी सरकार नु जेड़ा चुनीए जेड़ा अपने लिए कम कर सके। कांग्रेस के जलंधर उम्मीदवार और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज मतदाताओं से आम आदमी पार्टी और भाजपा द्वारा रविदासी समुदाय के डेरा बल्लान के समर्थन के झूठे दावे के साथ फैलाए जा रहे प्रचार को नजरअंदाज करने की अपील की है। चन्नी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा झूठा प्रचार कर रहे हैं। डेरा बल्लान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये लोग कल डेरा बल्ला के बारे में बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट डाल दी गई कि उनको सपोर्ट है, जो कि डेरा बल्ला ने खंडन किया है और उनको बोला है कि ऐसे अगर हमारा झूठा प्रचार करोगे तो हम FIR कराएंगे। डेरा बल्ला ने स्पष्ट कर दिया कि उनका बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं है और किसी को कोई सपोर्ट नहीं है। मैं बाबा जी का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने मेरी आवाज़ में और राहुल जी की आवाज़ में झूठा प्रचार करना शुरू किया है। मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि ऐसा प्रचार में मत आएं, और मैं जहां भी जा रहा हूं लोग मुझे बधाइयां दे रहे हैं और बड़ी गिनती में हम आगे जीतने जा रहे हैं, और मैं जलंधर के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। जहां हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के चलते आज मतदान हो रहा है, वहीं एक तरफ हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी चल रहा है। ये उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का भविष्य तय करेगा। इस चुनाव से सुक्खू सरकार की साख दांव पर लग गई है। हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप के चलते 6 बागियों को कांग्रेस ने अयोग्य ठहरा दिया था, जिसके बाद 6 विधानसभा सीटें खाली हो गई थी, जिसके चलते अब ये देखना होगा कि इन सीटों पर सुक्खू सरकार की बात बनेगी या सरकार को भारी चोट पहुंचेगी और बीजेपी के लिए ये फिर से सत्ता हासिल करने का बड़ा मौका बनेगा। नहीं, इसमें बदलाव का रुख है, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया, लोग इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को पसंद नहीं करते। भविष्य में अगर हिमाचल की राजनीति को साफ सुथरा रखना है तो ये चुनाव जनता को लड़ना पड़ेगा, और ये चुनाव जनता का है। हमारी सरकार को 3.5 साल है, हम ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य की राजनीति हिमाचल की कैसी हो उसकी दिशा और दशा तय करने के लिए चुनाव है। नहीं, हिमाचल में ये मुद्दे चले नहीं है। हिमाचल में तो जो ये वारदात हुई उसके बाद से लोगों का जो दिल है वो थोड़ा सा इस प्रकार की राजनीति के खिलाफ है। किस वारदात का आप जिक्र कर रहे हैं? जो 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के बिके, हाथ को बेचा और कमल खरीद लाए और कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ईमानदार बीजेपी के कार्यकर्ता भी ये पचा नहीं पा रहे। आंधी तूफान और हल्की बारिश के बावजूद उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी से छुटकारा नहीं मिला है। दिल्ली NCR समेत देश के उत्तरी हिस्से में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि इसमें चुभने वाली गर्मी से राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। झांसी से लेकर उड़ीसा के बुलंगीर और हिमाचल के ऊना से लेकर मध्य प्रदेश के खजुराहो तक हीट वेव और लू के थपेड़े झेल रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, NCR, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में अधिकांश जगहों पर तापमान 40 के पार हो रहा है। कुछ जगहों पर तो अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। दूसरी तरफ दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सालों के बाद देश के दक्षिणी और उत्तर पूर्व के हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून एक साथ सक्रिय हुआ है। IMD ने इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। बिहार में अधिकांश जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार रहा। उमस और पसीने वाली गर्मी से लोग बाग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बिहार में औसतन अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर रहेगा, जबकि न्यूनतम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में रहने का अनुमान है। आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों का तापमान लगातार
40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते इलाकों में चक्रवाती तूफान रेमल का हल्का प्रभाव देखा गया था, लेकिन उसके बाद गर्मी की फिर से वापसी हो गई थी। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं प्रयागराज, वाराणसी, फुर्सतगंज जैसे शहरों में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और ओडिशा में भी लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में आंधी तूफान और हल्की बारिश के बाद गर्मी के तेवर में कमी आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के तहत पंजाब की सभी लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दिग्गज नेता और पंजाब की जानी मानी हस्तियां मतदान करने पहुंची। आप नेता और सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के मोहाली में वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए राघव चड्ढा ने पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत होने का दावा किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि नागरिकों का हर वोट देश की दिशा और दशा तय करेगा। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। देश में आज लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान कर राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज आखिरी चरण का जो मुकाबला हो रहा है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वाराणसी, गोरखपुर समेत पूर्वांचल के हिस्सों में सियासी जंग काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैं सातवें चरण के मतदाताओं से कहूंगा कि घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान जरूर करें। देखिए, हम जो सातवें चरण के मतदाता से बचे हुए हैं, हम उन मतदाताओं से कहूंगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े इसके लिए आप मतदान जाके करिए, और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मतदान करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक साधना पर विपक्षियों की तरफ से दिए जा रहे बयानों पर आज तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने एक सवाल के जवाब में आज गोरखपुर में कहा है कि बिना थके, बिना डरे, बिना रुके भारत माता की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक आराधना पूरी तरह राष्ट्र आराधना है, पर जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार और दुराचार में लिप्त हैं, वो लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है और ये भारत की परंपरा है।
जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं। पटना के वेटरनरी कॉलेज मतदान केंद्र पर आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोट डालने पहुंचे। व्हीलचेयर पर वो मतदान करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़े भाई पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। वहीं वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यह देश बनाने का चुनाव है, देश के संविधान की हिफाजत की घड़ी आ गई है। बिहार का मिजाज टनाटन टनाटन है। इस बार लोग महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जो लोग संविधान आरक्षण लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी महंगाई गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें, यही अपील है लोगों से। दिल्ली जा रहे हैं, क्या बैठक है आपको? बैठक है 3 बजे है ना आज दिल्ली में। मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस आ जाएंगे। आप भी दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कल दिल्ली जा रहे हैं, 4 दिन के बाद आप कहते बड़ा खेला होगा। अब उनके बारे में इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम लोगों की पहले से ही तय बैठक है। नहीं अभी तो रिजल्ट की बात ही नहीं। फिर माहौल क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? तो अंतिम में सब कुछ हो चुका है, क्या आप लोग एक तरफा हम लोग सरकार, हम आपको पहले भी बोले बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो रहे हैं। शुक्रिया। देश भर में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए आज सुबह से मतदान शुरू हो गया। इस बीच बिहार में भी 8 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। वहीं कई दिग्गज नेता अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर वोट कर रहे हैं। इसी क्रम में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी मतदान करने पहुंचे, जहां केंद्र के बाहर उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार 400 पार करेगी। भारतीय जनतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व होता है और अपना अधिकार का प्रयोग करना सबको चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। उस सिलसिले में हम अपने सब परिवार के साथ, अपने पत्नी, अपने पुत्र वधु, अपने परपौत्र और फिर अपने पुत्र, सब लोगों के साथ आकर के हम लोग मतदान की में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही हम पूरे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। भाजपा इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारणी भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है अब की बार 400 पार। ये पहले से आभास हो गया कि हमारे पक्ष में तो कुछ आना नहीं है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज देश के 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही। 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वोटिंग के बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां व अंतिम चरण है। मेरी सभी मतदाताओं से विनम्र अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करें। दिल की सुने, भाजपा को चुने। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी। इस दौरान राजस्थान बीजेपी में प्रदेश स्तर के नेता, जहां प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए, वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गईं। यही नहीं, राजस्थान की लोकसभा सीटों पर प्रचार में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। उन्होंने केवल 12 झालावाड़ लोकसभा सीट पर एक्टिव देखा गया था। इससे पहले के लोकसभा चुनाव में राजे बेहद सक्रिय रही थी, वे कई जनसभाएं और रैलियां करती थी। वही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो चुका है।
राजस्थान में पहले चरण में 57.25% मतदान हुआ। पहले चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग गंगानगर लोकसभा सीट पर दर्ज की गई, यहां 65.64% वोट पड़े। इसके अलावा पहले चरण में सबसे कम वोटिंग करौली धौलपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां महज 49.29% ही वोट पड़े। वहीं दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई। 13 लोकसभा सीटों पर 64.56% मतदान दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2019 में इन 13 लोकसभा सीटों पर 68.42% मतदान हुआ था। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल की सेना कब साफ दिखने लगी है। हजारों कत्लेआम के बाद भी गाजा पट्टी की धरती खून की प्यासी है। इसराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है, मगर उसकी यह कसम अब सनक बनती जा रही है। इसराइली सैनिकों की गोलियां और बम अब हमास और आम नागरिकों में भेद नहीं कर रहे हैं। हमास के खात्मे की बात तक दुनिया एक हद तक चुप थी, मगर अब फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत से दुनिया परेशान है। यही वजह है कि इसराइल की अब जगहसाई होने लगी है। उसके अपने साथी भी गाजा और राफा में इसराइल कत्लेआम के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। एक और जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को रफा में जंग रोकने को कहा, तो वही अब बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। दरअसल 27 मई को गजा के साउथ सिटी रफा में विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने तंबुओं पर इसराइली सैनिकों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 45 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे और 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। रफा में मचे इस कत्लेआम को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गलती का एहसास हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने रफा में हुए इस इजरायली हमले को दुखद गलती बताया है। इससे पहले भी इजरायल की गोलियों से कई आम नागरिकों की मौत हुई है, मगर नेतन्याहू ने अभी तक खुलकर अपनी गलती नहीं मानी थी। मगर इस बार जिस तरह से उन्होंने खुलकर इस हमले को दुखद गलती करार दिया, वह संकेत देता है कि उनके तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं। वही अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ये ऑपरेशन बंद होना चाहिए। रफा में फलस्तीनी नागरिकों के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए पूर्ण सम्मान और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करता हूँ। वही इसी के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने भी कहा कि इस तरह के बम विस्फोटक नफरत फैला रहे हैं, नफरत को जड़ दे रहे हैं, जिसमें उनके बच्चे और पोते पोतियां शामिल भी होंगे। इस तरह से इजराइल केवल आलोचना ही नहीं झेल रहा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। उसकी आवाज में हाँ मिलाने वाले अब कम हो रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस आदेश से गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध विराम को रोकने के लिए इजराइल पर वैश्विक दबाव और बढ़ गया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।